तो फॉर्मूला बार की जो अगली कैटेगरी है हमारी वो है इन्फो फॉर्मूले, यहाँ इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले। इन्फॉर्मेशन आपके सेल फाइल डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम आगे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं सेल फॉर्मूला, तो अगर हम सेल फॉर्मूला लगाते हैं तो सेल फॉर्मूले में आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करोगे उसका एड्रेस, इसका कॉलम, कलर, कंटेंट वगैरह जो करता है, लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं फाइल नेम को यूज करते हैं। अब फाइल नेम का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें एक फाइल चाहिए जिसमें नेम हो। एक मिनट, एक फाइल ओपन करता हूं। एस डेटा ही हमने ले लिया, राइट। अब जैसे आपके सामने दिख रहा है कि मैं, मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक रिपोर्ट समीप से बनाया हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूं और इसको भी डिलीट कर देता हूं। एक मान लीजिए कि हमने एक सिटी वाइज एक रिपोर्ट बना रखा है, तो यहां पे हमने क्या लगाया, सम इफ्स का फॉर्मूला। सम इफ्स हमने बोला, सम रेंज हमने बोला कि जनवरी है, क्राइटेरिया वन रेंज हमने बोला नेम है, और नेम में मैंने इन्वर्टर कॉमा में डाल दिया पूजा, और क्राइटेरिया टू रेंज है, और क्राइटेरिया टू को हम सीट में आके सेलेक्ट करते हैं। तो पूजा का टोटल निकल गया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, आप डी को फ्रीज नहीं करते क्योंकि मंथ तो चेंज हो रहा है, बाकी सबको फ्रीज कर देते। एस टू का ए फ्रीज कर देते, टू को फ्रीज करने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा पूजा का मंथ वाइज सिटी वाइज टोटल हमने निकाल लिया, ठीक है, और सीट नेम हमने पूजा दे दिया। अब मुझे किसी और, मान लीजिए कि मुझे अगर मोहन का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें कंट्रोल प्रेस करके यहां पे ले जाना पड़ रहा है, एक कॉपी करना पड़ रहा है, फिर यहां पे हम मोहन देते हैं और फिर यहां हम जहां पूजा है वहां पे मोहन लिखते हैं। अब ये तो सिंपल डेटा है तो आप तो एक जगह मोहन लिखना पड़ा, आपने लिख दिया, राइट। लेकिन मान लीजिए कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है और कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे जगहों पे ये चीज लगी हुई है, जैसे कि यहां देख सकते हैं कि यहां लगा है, यहां लगा है, यहां लगा है, बहुत सारी जगहों पे लगा इस तरह की रिपोर्ट्स में, तो हर जगह जाके आपको चेंज करना पड़ जाएगा ना, क्या बरखा जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना सीट नेम चेंज करूं, सीट नेम चेंज करूं और मेरा जो डेटा है ना ये सीट नेम से कनेक्टेड हो, कि मैंने सीट नेम चेंज किया और पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो, समझे। तो मैं इन शॉर्ट एक करना चाहता हूं, जो सीट का नेम है ना वो एक सेल पे लाना चाहता हूं। तो अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम सेल, इसमें अभी सेल का फॉर्मूला यूज किया था ना, उसमें हम फाइल नेम देते हैं तो फाइल का कंप्लीट पाथ विथ सीट नेम आ जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो स्लैश लगा है, ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद सीट का नेम है, तो हम यहां पे लगा रहे हैं फॉर्मूला फाइंड का। फाइंड फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने बोला स्टार्टिंग, तो इसने बता दिया कि भाई 35 है, मतलब मुझे अगर मोहन चाहिए तो मैं राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और राइट के फॉर्मूले में बोलूंगा कि इसकी कंप्लीट लेन, इसकी जो कंप्लीट लेन है उस लेन में से इस 35 को माइनस करें। तो आपके सामने देखेंगे कि मोहन आ गया। कल के डेट में मैं मोहन के जगह पे अगर रवि करता हूं तो प्रेस द एंटर एंड चेंज द रवि, ओके, सुन रहे हैं सर आपको? यस। अब ए सबको कंबाइन करते,
यहाँ पे और यहाँ भी नहीं, इसको लेना। B13 है ना, B13 एंटर प्रेस किया और यहां से फाइन फॉर्म ले लिया। इसको डिलीट कर दीजिए और ये फॉर्मूला आपका हो गया। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी करके, अब प्रॉब्लम यहां पे एक भी और भी आती है कि मैं यहां डालूंगा फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट डिफाइन नेम में भी डाल सकते हैं। मैं यहां पे एनएन कर दिया और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहां डाल दिया। कोई सेल रेफरेंस नहीं है तो आसानी से डल गई एंड ओके कर। अब मुझे जहां मोहन रखा लिखा, अब मुझे मोहन जहां लिखा हुआ है वहां पे क्या कर देना है, एन एन। ठीक है, और रवि का आ गया डेटा। और जैसे मैं कॉपी करता हूं, अब यहां पे करता हूं कविता, कविता डेटा हो गया सर। क्योंकि अगर इक्वल एन एन करते हैं तो यहां आपको कविता दिखेगा, यहां इक्वल रवि होता है, सॉरी एनएन होता है, तो ये रवि है। तो ये जो सेल फॉर्मूला था जो मैंने बताया आपको, सेल फॉर्मूला, ये सेल फॉर्मूला का इंडिविजुअल तो कोई रोल नहीं है ना, क्या बरखा जी, सुरेंद्र जी, कोई रोल है इसका इंडिविजुअल? लेकिन जब ये फॉर्मूला राइट के साथ सम इफ के साथ जुड़ गया तो एक अच्छा खासा काम कर गया ना, क्या? तो इसीलिए हमने बताया आपको कि आपका जो इंफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसका इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है, लेकिन किसी के साथ जब अटैच होता है तो ये अच्छा खासा, ये और अटैच कैसे कैसे होगा ये हम आगे क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब अभी हम समझ लेते हैं फॉर्मूला को। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एरर टाइप। अब एरर टाइप क्या होता है, मान लीजिए कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। तो एरर कितने तरह के होते हैं आप जानते होंगे, एन एक एरर होता है राइट, एक एरर डीआईवी होता है, एक एरर वैल्यू का होता है, क्या एक आपका नेम का एरर आएगा, ऐसे बहुत सारे एरर होते हैं। इन सब एरर को अगर एरर को हटा देना है तो आप इफ एरर का यूज करते हैं। लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला होता है एरर टाइप का जो कि एरर को आइडेंटिफाई करता है किस टाइप का एरर। तो अगर एरर नल आएगा तो रिजल्ट 1 आएगा, डीआईवी आया तो 2 आएगा, वैल्यू 3, एरर 4, नेम 5, नम 6, एन 7, गेटिंग डेटा एरर 8, स्पेल का 9, 10, 11, 12 दिख रहा है आपको। अब इस चीज को समझते हैं कि कौन सा एरर कब आता है। तो ये एरर टाइप फॉर्मूला क्या कर रहा है, पहले देख लीजिए कि जो एरर सेलेक्ट करेगी वो किस तरह का एरर है, वो सीक्वेंस नंबर में वो एरर दिखा देता है। ठीक है प्रखा जी, आप वो सेवन नंबर दे दिया तो 7 नंबर एनए का एरर है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 7 आया है। तो आगे चल के मान लीजिए कि अगर एनए आया मतलब डेटा नॉट अवेलेबल, DIV आया डू नॉट डिवाइड बाई 0, इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं ना, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इफ एरर लगाते हैं तो एक ही मैसेज, सब एरर के लिए एक ही मैसेज होता है ना, बट आप चाहते हैं कि एरर के हिसाब से मैसेज अलग अलग हो तो एरर टाइप के जरिए आप एरर को आइडेंटिफाई कर ले। 1 आया तो नल है, 2 आया तो DIV है, 3 आया तो वैल्यू है। तो कौन सा एरर कब आता है, चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहां हम एरर टाइप का फॉर्मूला लगाते हैं। एन का एरर आता है नल का, लेकिन किसी एक्सेल को किसी डेटाबेस के साथ अगर आप लिंक करते हैं, डेटाबेस के साथ किसी अपने एक्सेल को लिंक करते हैं तो क्या होता है,
अगर डेटाबेस में वैल्यू कहीं कहीं कॉलम में या कहीं सेल में वैल्यू नहीं है तो आपको यहां पे नल दिखेगा। डीआईवी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इस तरह का एरर आएगा। वैल्यू, आपने फॉर्मूला को सही तरीके से नहीं लगाया, फॉर्मूले को सही इनपुट नहीं दिया है, या फॉर्मूले को सही इनपुट नहीं मिल रहा है तो आपको एरर देगा। आर जो आपने रेफरेंस दिया है वो डिलीट हो गया हो या सिलेक्शन से बाहर हो, जैसे कि आपने वी लुकअप लगाया और आपने कॉलम दे दिया ए से लेके डी तक का सिलेक्शन दे दिया, लेकिन कॉलम नंबर में आपने क्या कर दिया, फाइव कर दिया, जो कि ई तक का है, मतलब कि उसके रेंज से बाहर है ना, समझे? तो वहां पे आपको आरएफ का एरर देगा। तो रेंज से बाहर हो या फिर रेंज डिलीट हो गया हो, एग्जिस्ट ना करता हो, तो वहां पे आरएफ कर आएगा। नेम, आपने जो फॉर्मूला लगाया है या डिफाइंड नेम दिया है वो नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाया, एक्स लुकअप का फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन का फॉर्मूला है, अब उस फॉर्मूले को 2007 पे आप खोलेंगे तो वहां तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला मिलेगा नहीं, तो वहां पे एक्स लुकअप की फॉर्मूले के जगह का रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेम क्या आ जाएगा ना। आपने कल मैंने बताया था डी गेट का फॉर्मूला, डी गेट के फॉर्मूला में जो डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो नम का एरर आता है। उसके बाद आता है एन ए, कोई भी लुकअप फॉर्मूला में डेटा नहीं मिलता है तो एन ए आता है, हिटिंग डेटा एरर। जब एक्सेल को आप किसी अनदर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल डेटा सोर्स में, पिवट में, कहीं भी कनेक्ट करते हैं, और वो डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम है, वो डेटा आपको डेटाबेस आपको एक्सेल का डेटा नहीं दे रहा है, हो सकता है डेटा फाइल रिमूव हो गया हो, फाइल डिलीट हो गया हो, तो एरर आएगा, गेटिंग डेटा एरर। स्पिल का एरर जो रहता है एरे में आता है, आपने एरे फॉर्मूला लगाया और जो आपने इनपुट दिया वो एरे की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता है तो स्पिल का आएगा। यहाँ आएगा आपको कनेक्ट का आता है, तो अगर आपका जो कनेक्शन लॉस्ट हो गया है या फिर ये सब एक्सटर्नल डेटा क्या है, समझे, कि आप कनेक्शन लॉस्ट हो गया हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, एरर आएगा, या यूजर जो डेटाबेस कनेक्ट कर रहा है वो ब्लॉक कर दिया है तो ब्लॉक में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्सेल को तो अननोन कर देगा, ये आपका एरर। ये भी अपने जो फिल्टर फॉर्मूले हैं, शॉर्ट फॉर्मूले हैं जो कि मल्टीपल सेल्स रिजल्ट देते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कंडीशन सही नहीं मिलता है तो फिल्ड का आएगा। कैलसी भी वही आता है कि अगर जो मल्टीपल सेल्स रिजल्ट्स फिल फॉर्मूले हैं उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, सही से कैलकुलेट नहीं कर पाता है तो कैलसी का आता है, और लास्ट में एक्सटर्नल आता है। ये एरर के टाइप्स, तो एरर टाइप फॉर्मूला समझ में आ गया। सर, इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये तो कोड बता रहा ना कि ये वाला एरर का ये कोड है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? मैंने आपको बताया ना आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके डेटा में डिफरेंट डिफरेंट के एरर आ रहा है, जैसे मान लीजिए ना एक आपने वी लुकअप लगाया, राइट है, तो वी लुकअप में आपके डेटा के अंदर आपका डेटा अवेलेबल नहीं है तो एरर, इन एरर देगा ना, लेकिन डीआईवी कब देगा, जब डेटा के अंदर डीआईवी का एरर। देखिए एग्जांपल समझाता हूँ, 1 2 3 4 5, पांच डेटा हमने ले लिया ना। अब यहाँ पे हम किसी बहुत सारे जगह पे आप डेटा दे देते हैं, जैसे पूजा हो गया, और एक जगह पे हम एरर दे देते हैं, ठीक है ना, और एक जगह पे हम यहाँ पे ए एरर दे देते हैं, ए वाली एरर, बाकी जगह पे होम हो गया, रवि हो गया, ठीक है। अब आपने वी लुकअप लगाया, वन यहाँ पे वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, और आपने यहाँ पे दे दिया कॉमा 2 कॉमा 0, पूजा आ गया। अब आपको लगता है कि इसमें एरर आ सकता है तो आप क्या करोगे, इफ एरर लगाओगे ना, इफ एरर, राइट, इफ एरर आपने बोल देंगे डेटा नॉट अवेलेबल, समझ गया। आपने गेस किया कि अगर मैं 6 डालूंगा तो डेटा नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि 6 का रिजल्ट भी लुकअप क्या दे रहा है,
इन्हें दे रहा होगा ना क्या? तो इससे समझ में आ रहा है कि आपका डेटा 6 नंबर डेटा आपके इसमें अवेलेबल ही नहीं, राइट। ओके लेकिन अगर मैं यहां पे करता हूं 3 नंबर, फिर भी सेम एरर दे रहा है ना, राइट लेकिन वैल्यू आया। इसका मतलब थोड़ी कि डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल है, लेकिन जिसको लुकअप करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी डेटा में ही एरर है, वो एरर को ही लुकअप कर ओके रहा है, और इफ एरर यहां पे बता रहा है कि डेटा नॉट अवेलेबल, गलत है ना। 3 नंबर रो तो अवेलेबल है ना, 3 नंबर आईडी अवेलेबल है डेटा में ना। यस यस तो आप अगर इस एरर के भरोसे रहोगे तो वो सबको एक ही समझ लेगा। अब यहां पे आप चाहते हो कि नहीं, डेटा नॉट अवेलेबल तब आए जब एन एरर हो, बाकी कोई एरर हो, क्योंकि एन एरर भी लुकअप देगा अगर उसको आईडी नहीं मिलेगी तो। बाकी एरर देता है इसका मतलब कि वो एरर ऑलरेडी डेटा में ही है, उसी एरर को लुकअप कर रहा है, समझे। तो यहां पे हम इफ एरर नहीं देंगे, यहां पे हम देंगे इफ एरर टाइप, और हमने इसको सेलेक्ट किया, बोला इक्वल टू 7, देन डेटा नॉट अवेलेबल, अदरवाइज आप वी लुकअप का जो रिजल्ट वो शो कर दीजिए, तो वी लुकअप लगा दीजिए यहाँ पे, दे दीजिए यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में डेटा हैव ए एरर, समझे। ओके तो यहां पे डेटा हैव एरर आया, अगर 6 करूंगा तब आएगा डेटा नॉट अवेलेबल, 2 या 3 करूंगा तो डेटा हैव एरर। सुनना है आपको, ये चीजें हम करते हैं। उसके बाद वापस हम इन्फो की फॉर्मूला कर लेते हैं, कि इन्फो हमारे पास फॉर्मूला है, इन्फो फॉर्मूला में आपको बताता है कि रिलीज क्या है। जैसे मैंने रिलीज ले लिया तो ये बता देगा एक्सेल का वर्जन है, यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन का फॉर्मूला, अगर इफ एरर वगैरह का फॉर्मूला आप लगा, ये इसका एक्स लुकअप वगैरह का फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ऑफिस में बहुत सारे लोगों के पास पुराना एक्सेल है, उनके पास फाइल जाती है तो एरर आता है, तो बोलते हैं कि यार बुरखा आपने फाइल भेजा हो तो एरर का फाइल, इसमें तो हमारा एरर आ रहा है, इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाया, आपके पास एक्स लुकअप का फॉर्मूला नहीं है, आपका वर्जन छोटा लोअर वर्जन है। तो वहां पे आप दे दीजिए इन्फो लगा दीजिए कि इन्फो अगर 16.60 है तो फॉर्मूला एक्स लुकअप पे चलने दे, नहीं है तो मैसेज दे कि योर वर्जन इज लोअर, दिस फॉर्मूला नॉट इन योर वर्जन, तो आपको कॉल नहीं आएगा ना। क्या होता है, राइट समझे कि नहीं। यस सर बस यही इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला रोल होता है कि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। अब इसकी प्लेसमेंट, इसकी एप्लीकेशन ढूंढना पड़ता है कि क्या हो सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, इज ब्लैंक, अब जो रिजल्ट आएंगे, अब जो फॉर्मूले नीचे तो देख पा रहे हैं सारे, वो सारे फॉर्मूले क्या है पता है आपको, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स देते हैं चेक करने का फॉर्मूला। जैसे कि इज एरर, इज ब्लैंक, तो आपने इसके अंदर कोई सेल दिया, अगर वो सेल ब्लैंक है तो क्या देगा, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम दे रहा हूं, एक चीज और देखिए बहुत अच्छी चीज है, इस पे मैं कई बार फंसा हूं तब जाके ध्यान में आया है। अब यहाँ पे सेल्स, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स है, ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है। अब यहाँ पे एक चीज डाल दीजिए कि जो ब्लैंक है ना, जैसे रवि का ब्लैंक है, मतलब रवि इस महीने ऑफिस में था ही नहीं, समझ गए। और कविता जो है ऑफिस में आई है पर उसका सेल 0 है, वो सर्वर बेचती है, हर महीने उसका सेल नहीं होता है, समझे कि नहीं। अब आप जो है इफ फॉर्मूला, आप बोले भाई कौन आया है कौन नहीं आया है ये देखना है, तो इफ में जने लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल देन प्रेजेंट अदरवाइज अपसेट,
तो आप देखेंगे कि रवि को इसने एबसेंट किया और पूजा कविता को भी इसने एबसेंट किया, क्योंकि जीरो है ना, ए ब्लैंक। अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना, नहीं, जीरो है इसका मतलब है कि आया था सेल नहीं हुआ, ब्लैंक होने पर नहीं आना चाहिए। तो देन हम तब इस इफ का यूज नहीं करेंगे, तब हम यहां पे क्या करेंगे, इज ब्लैंक, इस प्लान इज ब्लैंक अगर ये ट्रू है तो, अब ये आ गया ना, उल्टा कर देना हमें, ए अदरवाइज बी। अब देखेंगे आप कि ए सिर्फ इस पे आया, समझे। तो ये सारे वही इज की फॉर्मूले हैं। इज ब्लैंक इज एरर, मतलब कि किसी भी तरह का एरर आएगा सिर्फ एनए को नहीं रीड करेगा, इफ एरर सबको रीड करता है, तो ए क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू देगा, एंड हैश एनए छोड़ के किसी भी तरह के एरर पे वो ट्रू देगा, बाकी अदरवाइज फॉल्स देगा, इज एरर। अब इफ एरर जब नहीं था ना, तो हम लोग इज एरर से ही काम चलाते थे, अगर सेल में एरर आया तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, किसी भी तरह का एरर, इज इवन, अगर इवन नंबर है तो ट्रू देगा, अदरवाइज ऑड देगा, इज फॉर्मूला। रिजल्ट आपने जो सिलेक्ट सिलेक्ट कर रखा है वो ऑलरेडी किसी फॉर्मूले से है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, इज लॉजिकल, जिस सेल में वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स, मतलब कि लॉजिकल। इज एन, सिर्फ एन ए एरर आया तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, जो भी मैंने ये बताया यहाँ पे ना आपको, इसको हम इज एन से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एरर टाइप तो हर तरह के एरर के लिए किया जाता है, इज नॉन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के अलावा कोई वैल्यू है, यहां लिखा हुआ है कि द वेदर वैल्यू इज नॉट टेक्स्ट, ब्लैंक सेल एंड नॉट टेक्स्ट, ब्लैंक को भी कंसीडर करता है, रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इज नंबर, अगर नंबर हुआ तो इसमें ब्लैंक को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो दोनों का फायदा यही है, नॉन टेक्स्ट भी आपका नंबर को ही देखता है बट ब्लैंक को भी देखता है, ये आपका ब्लैंक को नहीं देखता है। इज ऑड, आपका ऑड नंबर आया तो दिखेगा, आईएसओ मिटेड, अच्छा ये मैंने नहीं देखा है तो नया फॉर्मूला है तो ये भी नहीं बता पाऊंगा, मैं एक बार देख लूंगा तो बताऊंगा आपको। इज आर एफ रेफरेंस, आर एफ का जो हैश आर एफ का एरर रहता है ना, तो आएगा ट्रू अदर फॉल्स, इज टेक्स्ट अगर टेक्स्ट हुआ तो, इसका यूज तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया ही है ना। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं, एनए तो उसे एनए का एरर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे एनए से एरर लाया हुआ है, अगर एनए का एरर चाहिए तो एनए लगा दीजिए एरर आ जाएगा, एन का फॉर्मूला और टी का फॉर्मूला, मैंने बताया होगा आपको, याद होगा टेक्स्ट फॉर्मूले में, एन जो है नंबर को शो करता है, टी टेक्स्ट को शो करता है, शीट ये बताएगा कि कौन सा नंबर शीट है, ये जो शीट है अभी जैसे तीन नंबर है ना, तीन नंबर शो करेगा शीट, और शीट इज फाइल में टोटल नंबर ऑफ शीट है कितने, यहाँ देखिए शीट अगर कर दिया तो बताएगा कि तीसरा नंबर शीट है ना, और यहाँ पे अगर हम शीट्स कर देते हैं ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ शीट है कितने, जैसे हमें एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे रन होगा तो ये फोर दिखाएगा, ठीक है। यस इसके बाद लास्ट फॉर्मूला आता है टाइप, टाइप जो है जो सेल फॉर्मूला है उसी तरह से करता है कि सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो शो करता है, जो वन है मतलब कि ब्लैंक है, नंबर वन इट मीन्स नंबर, या अगर टू मतलब कि टेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स है तो कुछ और आएगा, एरर है तो कुछ और आएगा, तो शो करता है। इसका यूज हम लोग सेल से भी करते थे, सेल्स, सेल में हमने यहां पे नीचे देखिएगा टाइप, टाइप कॉमा और सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, बी फोर वैल्यू, एल फोर लेटर, बी फोर ब्लैंक, ठीक है, समझना है आपको। यस सर, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मैंने एप्लीकेशन नहीं बताई है, तो ट्रू फॉल्स है
जैसे बताया आपको अभी कई सारे फॉर्मूले के, हाँ किसी और फॉर्मूले के साथ जुड़ता है, तो आगे जो क्लासेस में जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको उसको समझाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कैटेगरी में लास्ट फॉर्मूला कैटेगरी रह जाता है फाइनेंशियल फॉर्मूला। और जैसे मैंने बताया था कि स्टैटिकल फॉर्मूला में बताया था कि सारे फॉर्मूले में नहीं कराऊंगा क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स है, उस तरह से फाइनेंशियल फॉर्मूले की बहुत सारे फॉर्मूले के अंदर जो है ना मैथमेटिक्स है, जैसे कि डीडीवी डिप्रिसिएशन निकालता है। अब डिप्रिसिएशन के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ए भी आपका जो है एसएलएन डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकालता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्ट्राइट लाइट डिप्रिसिएशन मेथड है ये, आप एस वाई डी देखते हैं, ये आपको सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड कहा जाता है, सम ऑफ द ईयर मेथड कहा जाता है डिप्रिसिएशन के लिए। उसी तरह से डीवी जो है ये आपका डबल डिक्लाइन एरर मेथड है, ये देखिए फिक्स डिक्लाइन बैलेंस मेथड है, ये डीडीबी आता है डबल डिक्लाइन मेथड होता है, ठीक है सर। तो ये सब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सब चीजें मैथमेटिक्स से पूरा, फिर मुझे आपको पूरा इसका डिफरेंशिएशन का पूरा समझाना होगा मेथड। अब जिस लोगों को पता है वो लोग करते हैं, जिसको पता नहीं वो नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कि पीएमटी है, पीवी है, एफपी है, रेट है, आईपीएमटी है, पीपीएमटी है, उसके अलावा इसमें और भी जैसे है इल्ड है। तो जो फॉर्मूले के यूज होता है वो फॉर्मूले हम आपको इसको कराएंगे कल की क्लास में। कल हमारा फॉर्मूला का लास्ट क्लास होगा, और कल हम आपको 5-7 वीडियो भी भेजेंगे जिसमें हम एरे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसको देखना होगा क्योंकि एरे फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब एरे फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड क्यों है इस चीज को जान लें। देखिए जिस काम को हम बड़े अलग अलग सेल में करते हैं ना, वो काम वो एक सेल में कर देता है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे मैंने कुछ नंबर दे दिया, अब मान लीजिए मुझे इस नंबर पे सबसे पहले तो प्लस, सब पे प्लस 100 करना है इंडिविजुअल, फिर इन सबको डिवाइड करना है 3 से इंडिविजुअली, फिर हर किसी को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर इसके अंदर फिर मुझे इसको सम करना है, इसका रिजल्ट। अब देखा आपने कितना मेथड हमने किया, हमने क्या किया, पहले प्लस 100 किया, डिवाइड 3 किया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया, देन सम किया। इस काम को आप एरे में एरे मेथड से एक साथ कर सकते हैं, इसको लिया आपने इसमें प्लस 100 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अब आप देख रहे रिजल्ट गलत आ रहा है ना, क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को यूज नहीं किया। तो इसको आपको क्या करना है, बोर्ड मास मेथड यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना, सर। अब विदाउट एरे आप जो है इतना लंबा फोर्सेस को फॉलो करोगे, विथ एरे एक सेल में फॉलो करो, समझे बरखा जी? यस सर। तो एरे फॉर्मूला थोड़ा सा, और ऐसा कहावत है जिसने एरे पे कमांड कर लिया उसने एक्सेल फॉर्मूले पे कमांड, एक्सेल पे कमांड कर लिया, ठीक है सर। और एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, जैसे कैटेगरी में लिस्ट है कि हमने लिया है फलाना फलाना फॉर्मूला बता दिया, वो लगाने का तरीका है। समझने के लिए एक एग्जांपल काफी है, ना समझ में आया तो 100 एग्जांपल भी कम है उसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे मंडे से, लेकिन कल जो है हम आपको वीडियो कुछ देखें देखने के लिए, और बाकी जो सर एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैं कुछ डेटा पे काम कर रही थी तो उसमें जैसे वी लुकअप का रिजल्ट एक कॉलम में मेरा आया, कुछ एनए आए और कुछ नंबर्स आए, एक बार आप लिखना एक्सेल में क्या लिखना है बताइए। जैसे ये एनए वाला एरर लगा दो, एक एनए वाला हैश एनए वाला, और कुछ वैल्यूज नंबर्स डाल दो, 1 2 3 और एक दो एन ए डाल दो। आप बोलिए ना, बताइए ना क्या है, समझ जाऊंगा। तो
इसमें मुझे क्या करना है, जो एनए है उसको मुझे नो करना है, और जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको यस करना है। तो इसको मैं मतलब कैसे, इफ इफ वाला फॉर्मूला मैं लगा रही थी बट लग नहीं रहा था। देखिए अब सबसे मुझे इसमें से सिर्फ कैटेगराइज करना है, जहां पे भी एनए है वो नो आ जाए और जहां पे नंबर्स एनए के है वो अलावा भी यस आ एरर है जाए। क्या? नहीं, एनए के अलावा कोई और एरर नहीं है, बस नंबर्स है और एरर्स है। आपको हाँ वीलुकअप में बस। रिजल्ट चाहिए या फिर आप जो है नहीं, वी इस लुकअप, ये सपोज करो ये के कॉलम में जो भी है वो वी लुकअप का रिजल्ट आ गया है। तो इफ एरर लगा दीजिए ना इसके लिए। आप क्या हाँ, करें, इफ एरर इफ फॉर्मूले के अंदर में वी लुकअप को डाल दीजिए और यहां पे नो कर दीजिए। अगर वी लुकअप एरर देता है तो नो शो करेगा, नहीं तो वी लुकअप का जो रिजल्ट है वो शो करेगा। सिंपल है। नहीं, उसको मुझे यस करना है, जो इसको नंबर्स आ रहे हैं उसको यस करना है और उसको नो करना है। अच्छा, जो नंबर आ रहा है उसको यस करना है। बाकी हाँ ओके जी। ओके, तो आप यहां पे करेंगे, आप लगाएंगे फॉर्मूला इफ और देंगे इज एन ए। ओके okay. इज एन ए का रिजल्ट अगर ट्रू है तो नो, अदरवाइज यस। ठीक है, ओके okay. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज एन ए का ये रोल हो गया ना। मैंने बताया था ना कि इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला खुद काम नहीं करता, लेकिन आपका काम किसी के साथ लग के आपका काम आसान कर देता। राइट। थैंक यू।